एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में. मैं अमीशा सिंगल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ. तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है, हम सभी परेशान हैं अपने स्किन से, क्योंकि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है. एंड हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि हम डेली रेगुलर बेसिस पे फेशियल भी नहीं करा सकते हैं, क्लीनअप भी नहीं करा सकते हैं सलून्स में जाके, एंड ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है घर में कि हम एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करें या फिर सलून की अर्ली अपॉइंटमेंट बुक करें. तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है वो ब्लॉग है आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए. मेरा लास्ट जो आपने अगर मेरा वीडियोस देखे होंगे तो मैंने फेस मास्क जो शीट होती है वो भी उससे भी काफ़ी इफेक्टिव हमारा स्किन केयर हो जाता है. काफ़ी लोगों का कमेंट आया है मुझे इंस्टाग्राम पे, कई लोगों ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताया कि आपका ये जो हैक हमने बताया स्किन केयर रूटीन वो काफ़ी इफेक्टिव है एंड उन लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इस चीज़ से रिलेटेड. सो इसी सीरीज़ स्किन केयर जो रूटीन की जो मेरी सीरीज़ है या फिर ब्लॉग भी आप कह सकते हो, उसी सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ कि आप घर पे रहते हुए कैसे अपने स्किन को स्किन का देखभाल कर सकते हैं, उसको नरिश कर सकते हैं. विंटर्स में जो ड्राई स्किन एंड डलनेस एंड पैचेस का जो पिगमेंट्स का भी जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो है हाउ टू डू फेशियल एट होम विथ सिंपल इजी स्टेप. घर में रह के आप 30 मिनट में फेशियल कर सकते हैं स्किन केयर को, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है. सो मेरा जो आज का जो प्रोडक्ट है वो है लोटस का फेशियल किट, रेडियंट ग्लो फेशियल किट. तो मैं आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आप देख सकते हैं. ये ब्रांडेड है, 24 कैरेट का गोल्ड फेशियल किट भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्केट में. तो मैं इस फेशियल किट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपका इंटरनल 4 सेशेज होंगे. सेशेज में आता है ये. सो जिसमें आपका ये इजीली मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप मैं अगर आपको दिखाती हूँ तो ये जो फेशियल का है ये इजीली इसमें स्टेप्स मेंशन है. सी स्टेप 1 स्टेप 2 आप देखेंगे, स्टेप 2 का हमारा ये चीज़ हो गया. सो कोई ऐसा हैसल नहीं होगा कि मुझे पहले क्या अप्लाई करना है, पहले क्या नहीं अप्लाई करना है. ये मसाज क्रीम है, स्टेप 3 में मेंशन हो रहा है. एंड लास्ट ये आपका ऑल टाइप स्किन का मास्क है. सो इसमें सेशेज में आपके स्टेप्स मेंशन है कि स्टेप 1 पहले आपको ये करना है एंड देन स्टेप 2. तो बहुत ही ईजी है. मैं यूजली बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है एंड क्वारंटाइन टाइम में भी मैं अपने घर पर ही स्किन को देखभाल करना पसंद करती हूँ. सो आइए स्टार्ट करते हैं. बट मुझे लगता है आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. कैसे पता? मुझे पता है कि आप जो भी यूज़र्स मेरा अभी चैनल देख रहे हैं उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है. तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें मेरे वीडियोज़. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन ही मुझे इंकरेज करेगा आगे नए नए कंटेंट्स बनाने के लिए. एंड कई लोग बिना थम्स दिए वीडियो देख के जस्ट चले आते हैं. तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें मुझे. मैं नए नए कंटेंट्स लेके आऊँगी. सजेशंस आप अपने शेयर कर सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को देखना पसंद है मेरे चैनल पे, आप वो शेयर कर सकते हैं. सो दैट हम लोग कनेक्टेड रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, एक दूसरे को जानें. सो प्लीज़ लाइक करेंगे. तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फेशियल एट होम विद इजी 4 स्टेप्स. सो फेस क्लीन कर लिया है फेस वॉश से एंड अब मैं जो अप्लाई कर रही हूँ वो कर रही हूँ क्लींजिंग स्क्रब, जो कि है स्टेप 1. सो क्लींजिंग जो हमारा स्क्रब होता है वो बेसिकली होता है हमारी स्किन में को एक एक्सफ्लोइडेशन का काम करता है. जो भी हमारी डेड स्टेन सेल्स होती हैं, रफ सेल्स होती हैं, उसको अच्छे से
रिमूव करने का वर्क करता है। सिमिलर टू दैट, इसमें हमारी जो डेड स्किन सेल्स स्किन में होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है पिगमेंट्स पिगमेंट्स पिगमेंटिंग हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड रफ होती है। तो बेसिकली ये जो हमारा स्क्रबिंग जो हमारा है वो हमारी स्किन में से जो बहुत ही रफनेस होती है उसको क्लीन करता है। एंड मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप स्क्रबिंग जो है, अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हैं, तो आप हर अल्टरनेट डेज पे या फिर 3 डेज में अपने स्किन को अच्छे से स्क्रबर यूज से कर सकते हैं। सो ये मेरा स्क्रबिंग क्रीम है। अब मैं अपने फेस में अच्छे से पहले स्क्रबर लगा रही हूँ। इट स्मेल्स रियली गुड। इसे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस में को स्क्रब करना है। मेक श्योर आपको अपने आईज का जो एरिया है उसमें स्क्रबिंग यूज नहीं करनी है। इधर यू कैन यूज लाइक दिस और यू कैन होल्ड योर फिंगर्स एंड देन स्क्रब इट लाइक दिस। फाइव मिनट तक आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। सो मैंने फेस को अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अब व्हाट यू कैन डू, या तो आप फेस वॉश कर लीजिए दोबारा से, अदरवाइज टेक अ हैंकी और टॉवल या फिर जो भी आपके घर में जो आपका क्लॉथ है उससे आप यू हैव टू जस्ट डू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हैंड्स को क्लीन कर लीजिए, फिर इसके बाद उसी कपड़े की हेल्प से आप अपने फेस को में जो स्क्रबर है उसको आप रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। सी आपने मेरा बिफोर स्क्रबिंग वाला फेस देखा एंड अब देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, अलग से शाइनिंग आ रही है मेरे फेस में। सो हर अल्टरनेट डेज पे आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो दिस विल रियली हेल्प योर स्किन, डेड सेल रिमूव होती है प्लस आपके स्किन में जो पिगमेंट्स एंड डलनेस एंड रफनेस होती है उसको भी दूर करता है। जो नेक्स्ट स्टेप मैं ले रही हूँ वो है एक्टिवेटर, स्टेप टू एक्टिवेटर। इसमें इट्स जस्ट लाइक आप कह सकते हैं एक सीरम होती है, कुछ ड्रॉप्स होती हैं जिससे आप जिसकी हेल्प से आपको अपने फेस में, क्योंकि आपने फेस स्क्रब किया है एंड आपको अब अपने स्किन को नरिश करने की ज़रूरत है, सो दैट वो जो हमारा ड्राइनेस है स्किन का वो हमारी उसको दूर करें एंड हमारी स्किन को जो एक नरिशमेंट है वो दे। सो आई एम अप्लाइंग द एक्टिवेटर, यू कैन जस्ट दे आप देख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक अ जेल, जेल बेस है ही हमारा। सो ऑल्सो अप्लाई लाइक दिस जेंटली। अब आपको 2 या 3 मिनट तक अपने इस फेस को मसाज करना है सो दैट जो ये जो एक्टिवेटर सीरम है हमारे स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। जब भी आप फेशियल मसाज करते हैं डोंट पुल योर स्किन डाउन साइड, अपनी स्किन को नीचे पुल ना करें, स्टेड ऑफ यू कैन अपलिफ्ट योर फेस लाइक दिस। हल्के हल्के हाथों से करना है, दिस विल हेल्प आर जो हमारी स्किन की जो नर्व्स होती है उसको हेल्प करता है हमारे जो फेस को लिफ्ट करने में। ऑल्सो वॉट यू कैन डू अपने फेस में कि जिन लोगों की झुर्रियाँ होती हैं उसमें यू कैन जस्ट पुट योर 2 फिंगर हेयर एंड 1 फिंगर हेयर। सो यू हैव टू जस्ट डू दी फेशियल मसाज ऑफ फॉरहेड। फॉरहेड में आप इस तरह से भी मसाज कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट दिस 2 फिंगर ओवर हेयर एंड हल्के हल्के से आपको अपनी जो ब्रो बोन है उसको प्रेस करना है
दिस विल हेल्प जो हमारी पफिनेस होता है फेस में उसको रिमूव करने में बहुत ही काम आती है। लाइक दिस, जिनकी अंडर आईज में पफिनेस होती है या जिनका डार्क सर्कल्स होते हैं कुछ होते हैं, तो व्हाट यू कैन जस्ट डू टू योर फिंगर, एक आप यहाँ पे अपने यहाँ रखिए एंड एक इससे आपको हल्के हल्के हाथों से स्ट्रेच करके ऊपर ले जाना है, जिससे हमारी जो अंडर आईज जो पफिनेस होती है वो रिमूव होती है। लाइक दिस सेम प्रोसेस आप अपनी इस आई में भी करेंगे। जिनकी जो डबल चिन होती है, मेरी ये डबल चिन बहुत ज़्यादा थी पहले, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, और मेरी ये जो डबल चिन है बहुत ज़्यादा थी, बट मैंने अपने फेशियल मसाज के थ्रू ही अपने जो फेस का जो फैट है, जो आप कह सकते हैं डबल चिन हो गया, लाइक अंडर आईज में काफ़ी हैवीपन था, मेरा फोरहेड काफ़ी ब्रॉड था, प्लस मेरे जो चीक्स थे वो एकदम डबल थे, आई वॉज लाइक गोलगप्पा। तो मैंने फेशियल मसाज की हेल्प से अपने फेस को इस तरह बनाया है। ऑल्सो यू कैन जस्ट डू विद दिस हेल्प ऑफ टू फिंगर, आपको अपने जो जॉ लाइन है उसको पुल करना है ऊपर की तरफ लाइक दिस, जिससे आपकी जो डबल चिन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, बट जब भी आप फेशियल कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप फेस को नरिश कर रहे हैं या फिर नहाने के बाद आप अपने फेस में लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो आप 5-10 मिनट अपने फेस की मसाज करिए एंड वेरी सुन आपको अपना फेस पे रिजल्ट अलग ही नज़र आएगा। ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस एंड स्लोली स्लोली दिस विल हेल्प योर डबल चिन टू रिमूव। ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट योर मुट्ठी लाइक दिस एंड इसको आप ऊपर करिए। ज्यादा नहीं करना है आपको, 5-10 टाइम करना है। जिनकी कंटूर लाइन नहीं होती है, जिनकी जो हैवी चिन्स होती हैं, चीक्स होते हैं, उनकी जो कंटूर लाइन नहीं दिखती है, तो व्हाट यू कैन डू, थंब आप लीजिए सर, यहाँ पे रखिए, धीरे धीरे इसको अपलिफ्ट करिए लाइक दिस। दिस विल रियली हेल्प गाइज, आप ट्रस्ट करिए मेरा। मेरी आप पिक्चर देखिए कि लास्ट में आपको जरूर शेयर करूंगी इस व्लॉग में, एंड यू कैन ईजिली फाइंड कि किस तरह से मैंने अपना जो फेशियल फैट है उसको किस तरह से रिमूव किया है। जब आपकी सारी मसाज हो जाती है उसके बाद वॉट यू कैन डू, इस तरह आप हैंड रखिए, यहाँ पर पुट करिए, धीरे धीरे लिफ्ट करिए अपने फेस को लाइक दिस। सो यू कैन सी मेरा जो एक्टिवेटर मैंने सीरम जो अप्लाई किया था वो ऑलरेडी मेरी स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया है, एंड शाइनीनेस आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कितना हो अच्छा आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज, इसी के ऊपर अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना जो हमारा है मसाज क्रीम। सो हम मसाज क्रीम से अपने स्किन में अच्छे से मसाज करेंगे एंड अगेन उसको थोड़ा नरिश मिलेगा एंड हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहेगी। जो हमारी मसाज क्रीम है इस लाइक ये, सो धीरे धीरे हम मैंने दोनों हाथ में लेके प्रोसेस वही रहेगा मसाज का जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जब आपको लगता है आपका जो क्रीम है वो ड्राई हो रहा है, यू कैन जस्ट टेक लिटिल बिट ड्रॉप ऑफ वाटर एंड फिर आप दोबारा से मसाज स्टार्ट करें। आपने देखा जो मेरा
मसाजर क्रीम थी उसको मसाज करते करते मेरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है सारा क्रीम। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी देर ही मसाज करें। मेरी स्किन में मसाज हो चुका है अच्छे से, फेस बहुत ही मॉइस्चराइज लग रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत लग नहीं रहा है, डलनेस नहीं लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है ऐसी। लास्ट में फिंगर से आप डैबिंग कर सकते हैं अपने फेस में, ये आपकी जो नर्व्स होती है उसको रिलैक्सेशन देता है। मास्क, सो मास्क को नॉर्मली मुझे अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है फॉर आई गेस, जब ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका, आई गेस जब तक आपका जो मास्क है वो ड्राई नहीं हो जाता एंड अच्छे से आपको लगता नहीं है कि मेरा मास्क जो है वो ड्राई हो गया है। मास्क जस्ट लाइक अ उपटन, सो लाइक दिस। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प ले सकते हैं। अप्लाई कर लिया है, अब मुझे वेट करना है इसके ड्राई होने का। ड्राई होने के बाद इधर आई टेक मैं कुछ पानी की बूंदें लेके अपना इसी को एक बार स्क्रबिंग ऐसा कर सकती हूँ, या फिर आप वेट कपड़ा करके अच्छे से आप अपना, जब ये ड्राई हो जाएगा मास्क तो वेट कपड़ा करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई विल वेट कि ये ड्राई हो एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँ। बट प्लीज़ भूलिए नहीं, जो यूज़र मेरा चैनल पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, थम्स अप दें, बस इतना ही तो करना है आपको। सो गाइस मेरा मास्क ड्राई हो चुका है, सी कुछ जगह से अभी भी वेट है बट आई गेस काफ़ी सारी जगह से मेरा ड्राई हो चुका है। तो इधर आप या तो मैंने जैसे बोला थोड़ा सा पानी लेके आप इसको मसाज करिए, रब करिए, या फिर आप जो एक गीला कपड़ा लेके अपने इस जो मास्क को आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ गीला कपड़ा एंड उसकी हेल्प से मैं अपना ये जो मास्क है उसको उतारूँगी। अपना फेस क्लीन कर लिया है एंड आप देखें मेरा फेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि हर बार होता है फेशियल के बाद ऐसा लगता है बस सो जाओ। सो बहुत ही इजी है मुझे ये पूरा फेशियल करने में, हार्डली 15 से 20 मिनट लगे हैं एंड बट दिस इज ऑल। अपना मास्क रिमूव करने के बाद आप चाहे तो फेस वॉश कर सकते हैं या फिर नीले कपड़े से मैंने पोछ लिया है, तो इसके बाद अपने फेस को अगेन नरिश करना ना भूलें, क्योंकि मास्क हटाने के बाद हमारा जो फेस है वो थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो एंड में आप कोई भी अपना जो डेली वेयर का जो लोशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आपका स्किन से रिलेटेड जो भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र होता है वो अप्लाई करिए। तो लाइक दिस हम मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में, फेशियल है हो चुका है, स्किन आप खुद ही देख रही हैं कि बिफ़ोर मेरी स्किन कैसी थी और अब कैसी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा नरिश हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, ग्लो कर रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मेरे डेड स्किन्स थे, डलनेस थी, पिगमेंट्स थे, वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं। आई रिकमेंड कि वंस इन अ मंथ आप अपने फेस को फेशियल करें, क्लीनिंग नहीं, तो अगर आप फेशियल भी नहीं कर सकते, क्लीनिंग भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अपने फेस को हर ऑल्टरनेट डेज या फिर वीक में एटलीस्ट
एक बार स्क्रब जरूर करें, विच विल रियली हेल्प. डेड स्किन्स जो होती है उसको रिमूव करता है, स्किन को नरिश करता है. एंड जितना हो सके वाटर इनटेक लें, क्योंकि पानी की कमी से भी हमारी स्किन डल होती है, नरिश नहीं हो पाती है. हम लोगों का एक मत है कि सर्दियों में पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तो हम क्या करें, बट पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ग्लो आप देख रहे हैं स्किन में मेरा क्या चेंजेस हुआ है, एंड रियली काफ़ी ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगा है. मैं यूजली घर पे ही फेशियल करती हूँ, अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ. आप लोग भी इस सर्दियों में अपना स्किन का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिए, अपने स्किन को नरिश करते रहिए, फेशियल करते रहिए, फेस मास्क लगा लीजिए, शीट लगा लीजिए, उबटन लगा लीजिए. मैंने काफ़ी सारे मास्क के लिए भी व्लॉग्स बनाए हैं, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उबटन तो लगाइए, क्योंकि स्किन हमारी है, किसी और की नहीं. एंड ध्यान रखें, सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ. जो यूज़र मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें.